हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन को और भी स्मार्ट कर देगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो लैब के। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है फोव्यू। दोस्तों इसका ये आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर क्लिक करें और यहाँ लिख दें फोव्यू। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, अपडेट मांग रहा है लेकिन नहीं करूँगा। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा रेटिंग भी दिया गया है, तो हम इसे जल्दी से आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम अब ओपन कर लेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करना है, नीचे आई ऑलरेडी नो हाउ टू यूज इट इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आपको यहाँ कुछ इनेबल करना है इस एक्सेसिबिलिटी में जाके, तो आप अपना सेटिंग में जाके इसे यहाँ से ऑन कर लें। तो यहाँ से मैं ऑन कर दिया, यहाँ इसे ये सेटअप हो चुका है। आप इसे पोजीशन मांग रहा है कहाँ रखना चाहते हो, तो मैं इसे लेफ्ट में ही रखना चाहता हूँ और ओके कर दें। इसे आप स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है तो स्क्रिप्ट कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत इजी है। इसे आप हटा दें तो आप देख सकते हो ये साइड में ये आ चुका है। आप छोड़ देंगे तो यहाँ कहीं पे आपको आ जाएगा। तो इसका काम जो है सो इस पर आप क्लिक करिए। आप देख सकते हो काफ़ी सारा इसमें आपको टूल्स मिल जाएंगे, साइड में मिल जाएंगे। इसके पोजिशन कहाँ रखना चाहते हो, बिना एप्लीकेशन को कहाँ रखना चाहते हो। इसमें आप फुल शॉट स्क्रीन शॉट ले सकते हो, मल्टी स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, रीजनल स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें आपको डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन में जाना है तो डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन में आपको जाकर बात छोड़ देना है और ये अपना आप इसमें ओपन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया हो। तो चलते हैं हमारे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा एप्लीकेशन है वो है कॉपी क्लिप। ये एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, बस सेम तरीका है। क्लिप कॉपी क्लिप लिखना है इसमें, पहले नंबर पे देखिए आ चुका है और इसे भी मैंने इंस्टॉल कर लिया जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे, और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करते ही दोस्तों आपको रिसेंट और प्रिंटेड लिखाएगा। तो अभी रिसेंट में हमने कुछ कॉपी नहीं किया है, मतलब इसका काम दोस्तों यह है कि जैसे कि आप एक कॉपी कहीं से करते हो और वही फिर दूसरा कॉपी करते हो, तो पिछले वाले जो कॉपी किया हुआ होता है वो आपका हट जाता है। जैसे कि मैंने इसे कॉपी किया, जैसे कि यहाँ से मैंने इतना दूर कॉपी कर लिया और कॉपी कर लिया, फिर मुझे अगर दूसरा कॉपी करना है तो वो कॉपी किया होगा वह हट जाएगा। जैसे कि इसे तो कॉपी किया, सब लोग हम लोग जानते हैं कि वो हट जाया गया होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप देख सकते हो रिसेंट में दोनों आ चुका है। मतलब कि आप इसमें डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कॉपी किया था एक साथ। तो मुझे ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा लगा था। तो चलते हैं हमारे तीसरे एप्लीकेशन में। तो हमारा तीसरे एप्लीकेशन का नाम है एक्स होम बार, जैसे कि मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये आपको मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ये काम क्या करता है एक्स होम बार, मतलब ये दोस्तों कि ये आईफोन एक्स की तरह है। जैसे कि आपको ऊपर की तरह स्विप करना है, नीचे की तरफ स्विप करना है, तो आपको क्या चाहिए सो आप इसमें अपना सेट कर सकते हो। बैक पुल अप डाउन ये सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। स्क्रीन शॉट्स मुझे काफ़ी स्क्रीन शॉट लेना अच्छा लगता है। और ये मतलब गैजर लॉन्ग प्रेस करके आप क्या चाहते हो इसमें, आप इसे क्या मतलब कस्टमाइज करना चाहते हो कलर के हिसाब से सो भी कर सकते हो। मार्जिन रखना चाहते हो कैपेसिटी, इसमें आप कई सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसे अभी डेट नहीं दूंगा, कट करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी एप्लीकेशन काफ़ी पसंद आया होगा। जैसे कि यहां देखिए एक्स होम बार को इस साइड में आ चुका है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नाम है सजाम। दोस्तों ये एप्लीकेशन भी आपको सेम प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड कर लेना है। सजाम जैसे कि देख सकते हो मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया है, डायरेक्ट मैं इसे ओपन करूंगा। दोस्तों ये काम क्या करता है कि आप जैसे कि कोई म्यूजिक सुन रहे हो और आपको पता नहीं हो कि आप कौन सा म्यूजिक मतलब बज रहा है, तो आप सिर्फ इसे टैप करके
बस आपको उस म्यूजिक के सामने थोड़ा छोड़ देना है, तो ये पूरा उसका गाना ही और उसका सॉन्ग उसका वीडियो साथ ही आपको आगे में शो कर देगा। तो ये भी एप्लीकेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम म्यूजिक सुनते हैं, हमें कौन सा फिल्म का गाना है, कौन सा इसका वीडियो है, सो पता नहीं चलता है, तो इसकी मदद से आप वो पता कर सकते हो। तो मुझे ये भी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा लगा। तो अब चलते हैं हमारे पाँचवें एप्लीकेशन में। तो पाँचवें एप्लीकेशन जो बहुत खास है, जो कि इसका नाम है लॉक आयो, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, मैं इसे आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो ये काम क्या करता है दोस्तों, कि इसे आप अगर ओपन करके इसे आप अपना चूज कर लो, पैटर्न डाल लो, जैसे कि मैंने ये डाल दिया, आप अपना फूड भी डाल सकते हो, फेवरेट फूड अपना एक्सेबिलिटी के हिसाब से, तो उसमें मैं रखने दूँगा। तो दोस्तों ये काम क्या करता है कि अगर आपका जैसे फोन लॉक में अगर लगाते हो, तो ये सबसे अभी ओपन नहीं होगा, ये प्रीमियम हो जाना। तो इसका काम जो है, तो जैसे कि आपका फ़ोन अगर कोई स्विच ऑफ करेगा तो उससे भी पासवर्ड मांगेगा, तो अगर ये पासवर्ड अगर देता है तभी आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कई लोग होता है कि आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, आपको पता नहीं चलता है, और वो लेके चला भी जाता है कभी कभी, तो ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो यही थे कुछ पाँच बेस्ट एप्लीकेशंस। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इन पाँचों में से कौन सा अच्छा लगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।